नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के बसई एसएसबी 49वीं वाहिनी व नेपाल राष्ट्र के एपीएफ के जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर कोरोना वायरस के चलते पिलर संख्या 198 से पिलर संख्या 200 तक सही पेट्रोलिंग की। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आवागमन पूरी तरह से बंद है। इस दौरान दोनों देशों के जवान बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। इस दौरान 49वीं वाहिनी एसएसबी के इंस्पेक्टर बेरिस सोड़ा, एसआई महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नेगी, कांस्टेबल सुरेंद्र व गुरगेश, नेपाल राष्ट्र से एपीएफ इंस्पेक्टर जगदीश बिष्ट, हेड कांस्टेबल थापा, महिला कांस्टेबल मनीषा पांडे आदि मौजूद रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेट्रोलिंग का कार्य दोनों देशों के जवान किस प्रकार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी की दूसरी खबर भी से भी आपको अवगत कराएंगे। पलियाकरा गुरुवार को सुबह नगर के संपूर्ण नगर रोड स्थित मोहल्ला पठान 3 से निकला कोरोना पीड़ित। पलिया सीओ राकेश नायक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोरोना पीड़ित व परिवार को किया आइसोलेट, जिसके बाद तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने कोरोना पीड़ित मोहसिन उर्फ सनी के संपर्क में आए लोगों की तफ्तीश पड़ताल करने के बाद तहसीलदार आशीष कुमार सिंह पहुंचे नगर के सक्सेना हॉस्पिटल में। 4 दिन पूर्व कोरोना पीड़ित अल्ट्रासाउंड के लिए आया था सक्सेना हॉस्पिटल। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने सक्सेना हॉस्पिटल व अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर को पीड़ित की दोबारा जांच रिपोर्ट आने तक बंद कराया। तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना पीड़ित 3 दिन पूर्व टैक्सी कर पथरी का इलाज करने गया था। बरेली टैक्सी में पलिया के शेरसी चौराहे से एक युवक व टैक्सी चालक छोटू भी गए थे कोरोना पीड़ित के साथ। पुलिस व प्रशासन कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने वाले को आइसोलेट करने में लगा है। वहीं लोगों में भय व्याप्त लोगों ने की बाजार व आवागमन बंद करने की मांग।